फरुखाबाद से खबर शामिल करें, जहां दो रोज पहले डाकुओं ने फायरिंग करके 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। वाकई की फुटेज सामने आ गई है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकी है। अदम सिक्योरिटी के बायस मुद्दई मुकदमा भी केस की पैरवी से पीछे हट गया। सादिकाबाद में हुआ दिन दिहाड़े कत्लेआम। तीन दिन पहले इतवार के रोज 2:19 पर तीन डाकू भत्ता लेने की गर्ज से एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। डाकुओं को देखकर पंप मालिक जहीर और उसके साथी चौकन्ना हो गए। एक भागकर छुप गया, तीन मौजूद रहे, लेकिन क्या पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। फुटेज में देखा जा सकता है मुलजिमान अंदर घुसे चले आए। दो तकरार होती रही। मालिक के साथी ने डाकू के पैर को भी हाथ लगाए, लेकिन बंदूक थामे चेहरे पर मास्क लगाए मुलजिम ने जो ठान रखी थी वही कर गुजरा। डाकू ने गोली चलाई तो दूसरे डाकू ने भी फायर खोल दिया। पंप मालिक और उसका साथी मौके पर जा बहक हो गया। उनका काम तमाम करने के बाद उसी डाकू ने अंदर छुपे दो अफराद पर गोलियां दाग डाली। डाकू बाहर आए, फिर जो नजर आया उस पर गोलियां चलाई। लोग जान बचाकर भागते नजर आए, डाकुओं ने उनका भी पीछा किया। हवाई फायरिंग करते हुए तीनों डाकू मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। इस तमाम वाकये में 9 अफराद जान से गए, जिसका मुकदमा मकतूल के भाई की मुदय्यत में दर्ज किया गया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। पुलिस ने मुदई तो बना दिया, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी। मुदई मुकदमा मुजाहिद अमीर मकतूल जहीर के केस की पैरवी से पीछे हट गया। ये जो हमारे साथ थानिया हुआ था चौक में, तो इसमें मेरे भाई मुनव्वर अमीर भी शहीद हो गए थे। भाई को मार दिया गया, अब नाम लिख दिया गया है कि जितने भी ये कत्ल हुए 9 अफराद का, इनका मैं मुदई हूँ। बल्कि हत्या कि मैं मुदई बनना ही नहीं चाहता। जो वहाँ मुदई उनका बनना चाहता है, जिनके उनके लवाहकीन अपने हैं, वो अपना मुदई बन सकते हैं। हमें उनसे कोई हर्ज नहीं है। मैंने तो सिर्फ गवाही दी है कि बाकी भी मेरे भाई को मारा गया है। बस धमकियां बहरी बात है, मिलेंगी या थ्रेड होगा, ठीक है, खतरा इंसान को जान का होता है। तो बस मैं मुदई नहीं बनना चाहता, जो भी करेगा अल्लाह पाक करेगा। उधर पुलिस ने अपनी वजाहत में कहा, पुलिस मुदई बन जाए तो कहा जाएगा केस खराब कर दिया। मुदई को मुकम्मल सिक्योरिटी दी है। सवाल ये पैदा होता है कि फुटेज सामने है, दरिंदगी आया है, फिर मुदई का खेल क्यों खेला जा रहा है? आला हुक्काम डाकुओं के इस खूनी खेल के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले